विदेशी भाषाएं सीख कर करके अपना अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इस फील्ड के अंदर भी रोजगार के बहुत साधन उपलब्ध है। मैं आज यहाँ पर सरलीफाई इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ, जहाँ पे विदेशी भाषाएं सिखाई जाती है, और मेरे साथ यहाँ के जो टीम है पूरी वो हैं। तो शैतान सिंह जी, यहाँ पर आपका ये जो इंस्टीट्यूट है, तो पहले तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए कि आपका ये क्या क्या करवाते हैं और कौन कौन सी भाषाएं सिखाते हैं। हम यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज करवा रहे हैं, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज की हम जो ट्रेनिंग है लास्ट 10 ईयर से दे रहे हैं, बट कोरोना के बाद में हमने सर्लीफाई नाम रखे, इसको लीगल नाम दिया है, जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके साथ में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो यहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज करवाई जाती है, और जर्मन लैंग्वेज करने के बाद में कहाँ कहाँ जो स्टूडेंट है काम कर सकते हैं उसके हमारा फोकस रहता है कि हम इनको कहाँ भेज सकते हैं। नहीं, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि कोई भी आदमी जर्मन भाषा सीखे तो उसको फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो सबसे पहले तो जर्मन लैंग्वेज एक स्किल है, जब आप एक लैंग्वेज कर चुके होते हो तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है, बहुत सारी MNCs इंडिया के अंदर है, 1000+ MNCs इंडिया के अंदर है, या तो नेटिव जर्मन है या इंडियन कंपनीज है जिनके पास में जर्मनी का काम है, या कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर है जिसके पास जर्मन का काम है। उस चीज़ के लिए आपको एक जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बैंक हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में इंश्योरेंस कंपनी हो, अगर उनको उनकी कंट्री का काम करना है डेफिनेटली उनको जिन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि भाई इतना स्कोप है, तो उसके बाद मतलब मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद में उसको नौकरी मिल जाएगी। हाँ, नौकरी देखो, जो भी जर्मन लैंग्वेज करता हो कोई बेरोजगार नहीं रहता, लैंग्वेज मिलती है। यहाँ पे जो चैलेंज ये आता है कि किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है। जिसकी कमांड अच्छी है उसको जल्दी जॉब मिल जाएगी, जिसकी कमांड स्लो है उसको लेट जॉब मिलेगी, बट हाँ जॉब मिलती है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहता इसके अंदर। तो आप कोई भूमिका निभाते हैं रोजगार दिलाने के अंदर, कोई आपकी गारंटी वगैरह है? देखो, गारंटी के लिए हमने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको पूरी तरह से रेडी करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, किसी फील्ड में आप करो काम करोगे उसके लिए गारंटी ये है कि जैसे कोई लैंग्वेज कर रहा है तो लैंग्वेज करने के बाद जॉब लगेगा, तो सिर्फ लैंग्वेज ही वहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगी, वहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है जो आपको मीन्स क्राउड से आपको अलग लेके जाएगी। वो है जैसे कि बंदा लैंग्वेज तो कर लिया बट उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कैमरा को कैसे फेस करेगा, इंटरव्यू देना नहीं आ रहा, कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रही उसको। तो हमने एक लॉन्च किया प्रोग्राम जिसका नाम है मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर लेवल्स होते हैं जर्मन के, A1 A2 B1 B2, तो A1 to B1 की हम ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ में हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश करवाएंगे ताकि वो जो स्टूडेंट है इंटरव्यू को फेस कर सके, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग के अंदर वो HR के थ्रू होते हैं, और HR का जो इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा होता है कि अब जब आप कंप्यूटर चलाने जाओगे उनको पता ही नहीं है शिफ्ट क्या की क्या होती है, कहाँ पे स्पेस का वो बटन है, तो उसमें हम बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज देंगे उसके अंदर। सेकंड सिनारियो ये है। थर्ड जो ट्रेनिंग है हमारी पर्सनलिटी डेवलपमेंट की है, वो यही है कि जर्मन तो आ जाती है उनको, बट जैसे ही कैमरे के सामने खड़ा करेंगे उनके पसीने छूट जाते हैं, तो उस डर को हटाने के लिए हम क्या कि यहाँ पे हमारे स्टूडियो है उसके अंदर उस स्टूडेंट को सामने लाते हैं, क्राउड को फेस करते हैं। तो मेन पॉइंट रहता है हाउ टू फेस द क्राउड, को क्राउड को फेस करने के लिए उसका पूरा जो झिझक होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्या आता है, जब इंटरव्यू में आ रहे तो स्पोर्ट्स शूज पहना है, कैसा कैसा अटायर होना चाहिए आपको, कैसे ड्रेसअप करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे करवाएंगे, ये पर्सनलिटी डेवलपमेंट में आता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो उसमें फिनांस की जरूरी नॉलेज होती है, क्रेडिट होता है क्या होता है, डेबिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, इंश्योरेंस का रोल क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, तो बेसिक फिनेंशियल ट्रेनिंग हम यहीं पर देंगे। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें 7-8 प्रोग्राम हमने ट्रेनिंग्स इंक्लूड करी है। अगर मैं CV की बात करूं तो CV में क्या होता है, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो अपना पापा का नाम लिख लेगा, खुद का नाम लिख लेगा, डेट ऑफ बर्थ लिख लेगा, और एक टैग लाइन लिख के CV पकड़ा देगा। तो हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं कि यूरोपियन फॉर्मेट में हम CV हम ही बनाएंगे, कवर लेटर भी हम बनाएंगे, जब वो अप्लाई करेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो CV को देखे एक वेटेज मिलती है कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आया है, इसने 7 ट्रेनिंग्स एक्स्ट्रा ले रखी है, अगर आप किसी क्राउड को इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसमें 7+ ट्रेनिंग आपको दिखती है, और आपका जो कवर लेटर और CV यूरोपियन फॉर्मेट में दिखता है तो वहीं पे आपको बूस्टअप हो जाता है आपका। अच्छा शैतान सिंह जी, एक हमने ये सुना है कि भाई ये जो विदेशी भाषाएं सीखते हैं तो ये टूरिज्म के अंदर भी काफ़ी संभावना है, आपने तो कॉरपोरेट की बताई। हाँ, तो हर आदमी कॉरपोरेट में भी नहीं जाता। हाँ, तो क्योंकि कॉरपोरेट में जाने के लिए उसको लैंग्वेज के साथ में उसकी और भी काफ़ी उसको क्वालिफिकेशन चाहिए चाहिए भाई। जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंस में जा रहा है तो वो उसको कॉमर्स की भी ध्यान होना चाहिए, मतलब जो फील्ड में जाएगा तो उसका भी उसको पढ़ाई होनी चाहिए उसकी। लेकिन टूरिज्म जो एक ऐसा मामला है कि वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज ही चाहिए,
बाकी जो एजुकेशन है चाहे कितनी कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टूरिज्म के अंदर क्या संभावना है आप बताएं। टूरिज्म के अंदर इसकी लैंग्वेज की बहुत सारी संभावना है, जैसे जर्मन लैंग्वेज सीख करके टूरिज्म जो था अभी कोरोना के टाइम के अंदर पूरा का पूरा ठप पड़ गया था, लेकिन वापस टूरिज्म अब धीरे धीरे वापस उठ रहा है, और जैसे ही टूरिज्म उठ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज लर्नर्स की जरूरत रहेगी। इसमें जो गाइड काम कर सकते हैं और जो ट्रेवल कंपनियां हैं, जितनी भी ट्रेवल कंपनियां हैं वहां पर क्या है कि इनकी जरूरत पड़ती है जिनको लैंग्वेज आती है। जैसे कोई है स्टूडेंट जिसको जर्मन लैंग्वेज आ रही है, तो जितना भी काम है वहां पे जो फॉरेनर्स है जो जर्मनी के जो जितने भी ट्रेवल जो करना चाहेंगे तो उनके आइटनरी प्रोग्राम वगैरह है वो सारे के सारे जर्मन लैंग्वेज में बनाए जाएंगे। तो जर्मन लैंग्वेज का सीख कर बंदा जो भी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको मतलब बहुत सारे ऑप्शन है टूरिज्म के अंदर भी, एज ए गाइड काम कर सकता है और भी जो कंपनियां हैं ट्रेवल कंपनियां वहां पर भी वो काम कर सकता है आराम से। अच्छा मैम, अभी मैंने देखा आप क्लास ले रही थी, तो ये जो जर्मन लैंग्वेज सीखना कितना आसान है या फिर मान लीजिए टफ है, तो आपने ये कैसा आसान प्रोग्राम बना रखा है कि कोई भी बच्चा ढंग से उसको आसानी से सीख सके, तो इसके लिए आपका क्या मतलब क्या कोई प्लान है या कोई आपने कोई योजना ऐसी बना रखी है या कोई आपने कोर्स ऐसा बना रखा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखना आसान और मुश्किल तो डिपेंड करता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए एज भी मैटर नहीं करती, क्योंकि हर एज हर फील्ड के लोग गांव से भी बच्चे आते हैं हमारे पास में, तो सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई टाइम लिमिट होता है। तो आसान तो और आसान हम उनके लिए ऐसे बनाते हैं कि टीचर्स उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, अगर गाँव से भी कोई आ रहा है तो हिंदी में उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि जर्मन है तो जर्मन टू हिंदी, इंग्लिश में कोई कम्युनिकेट इंग्लिश में ही समझता है तो जर्मन टू इंग्लिश चलता है। तो हमने इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि आप जिस लैंग्वेज में आपको इसके जर्मन जिस थ्रू समझ सकते हैं उसके थ्रू हम उस लैंग्वेज में उनको समझाते हैं, और इंटरैक्ट हम स्टूडेंट्स के साथ में ऐसे करते हैं कि उन्हें बिल्कुल फैमिलियर माहौल मिलता है, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है। तो बीच बीच में एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, ऐसा बहुत ज़्यादा उनके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और टाइम ग्रेजुअली वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ अगर आप इन्जॉय करते हैं इंटरेस्ट है तो आप इजीली सीख जाते हैं, तो सब कुछ आसान हो जाता है। अभी आप कितने साल से मतलब ये कर रहे हैं, अपनी कंपनी आपकी जो खोली हुई है आपने ये, तो कितने साल से हैं, अभी तक कितने बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ डाटा बताएंगे? सर्लीफाई नाम अभी कोरोना के बाद में आया जब हम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, इससे पहले हमारा नाम था अल्फा दोइचे अकेडमी। तो ये हम 10 साल से कर रहे हैं टीचिंग, और अभी हमारी स्टूडेंट्स पूरी मतलब कि इंडिया की जितनी भी कंपनी जो उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट मिल जाएगा। अगर फॉरेन की बात करूं तो लोग सिर्फ जर्मन करके जो भी नहीं लगते हैं, जर्मन उनका पर्पज होता है कि कोई हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी जा रहा है, कोई एडमिशन ले रहा है किसी हायर यूनिवर्सिटी में, या कोई हाउस बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम वो करने जा रहा है, तो जर्मनी के ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ के हमारे कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाएगा वहाँ पर। तो सिर्फ काफ़ी क्राइटेरियाज है कि जर्मन करने के बाद उनको क्या करना चाहिए, तो हम उसको मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम ब्रशअप कर रहे हैं उनकी नॉलेज को कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसके अंदर आप 30,000 देखिए 30,000 की जॉब आपको हाथों हाथ मिल जाए। जर्मन लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ जिसमें आप 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो और आपकी जॉब लगती ही पहले महीने की सैलरी 30-40 हज़ार होती है, मतलब पहले महीने से आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये जो गारंटेड प्रोग्राम है उसमें हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको 7 ट्रेनिंग्स देंगे, जॉब में सपोर्ट करेंगे, फिर भी आप फेल हो गए नहीं लग पा रहे तो हम 100% फीस वापस देंगे। और ये फीस भी हम वर्बल नहीं कर रहे हैं, हम एक लीगल अग्रीमेंट कर रहे हैं उनके साथ में कि अगर आप जॉब नहीं मिल रही देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू द मनी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अच्छा, आपका ये जो प्रोग्राम है लैंग्वेज सिखाने का, तो इसके अंदर टाइमिंग इसका कितना मतलब लंबा ये कोर्स होता है, कितने महीने का होता है, मेरा पूछने का मतलब ये है, और इसके अंदर क्या क्या सिखाते हैं वो भी एक बार आप सारे दर्शकों को बताइए। इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन लैंग्वेज जितनी भी है इटालियन है फ्रेंच है जर्मन है स्पेनिश, उसके अंदर जो लेवल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन लैंग्वेज फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि A1 होता है A2 होता है B1 B2 C1 C2। तो A1 होता है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 2 मंथ्स का होता है, A2 अगेन मैक्सिमम 2 मंथ्स का, B1 आपका 3 मंथ्स का रहेगा, B2 से ऊपर जाएगा सभी 3 मंथ्स का रहेगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहते हैं, वीकेंड्स पे अलग रहते हैं, डेली 1 आवर क्लास होती है, 1 आवर टू 1.5 90 मिनट्स का क्लास होती है, उसके अंदर आपकी A1 की ही रहेगी, A2 में भी सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन जैसे आप B1 में जाते हो तो आपकी क्लास 3 आवर्स की होगी,
थ्री आर्स की इसलिए होता है कि जो मेन जो लेवल है B1 लेवल है उसको पास करने के बाद में आपके टैग लग जाता है कि आप एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, और उस लैंग्वेज एक्सपर्ट के बाद में हमारा जो इंटरनल एग्जाम होता है उसको एग्जाम को देने के बाद सर्टिफिकेट के बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे आप कहीं पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हाँ, मेंटरशिप के बारे में बताता हूँ, मेंटरशिप की क्लासेज वो 4 से 5 घंटे की रहेगी, वो थर्ड लेवल जो B1 में आएगा उसमें सिर्फ जर्मनी नहीं रहेगा, स्पोकन इंग्लिश रहेगा, एक्सेल रहेगा, फाइनेंशियल ट्रेनिंग रहेगा, तो फुल फ्लेज प्रोग्राम रहेगा। मीन्स हम एडमिशन से लेके उनको लॉन्च करने तक एज ए प्रोजेक्ट इसको लेंगे, तो प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी टीम लगेगी, फाइनेंशियल ट्रेनिंग ट्रेनर भी आएगा, एक्सेल का ट्रेनर भी आएगा, सब कुछ आएगा उसके अंदर। तो उसकी क्लासेस 3 से 4 घंटे होती है डेली। तो सुना आपने, सारी डिटेल आपको मिल गई है कि जर्मन भाषा सीखने के बाद में आपको किस तरह से रोज़गार मिल सकता है और किस तरह आप अच्छी नौकरी पा करके पैसे कमा सकते हैं। और मैडम ने यह भी बताया कि ये सीखना कितना आसान है, और साथ में आपको ये भी बता दिया गया है कि भाई जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद में आपको किस किस फील्ड के अंदर किस तरह की नौकरियाँ मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी गारंटी है कि यदि नौकरी आपको नहीं मिलती है, पहले तो ये नौकरी दिलवाएंगे, फिर भी नहीं दिलवा पाते तो ये आपसे एग्रीमेंट करेंगे कि आपको 100% फीस वापस कर दी जाएगी। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया जगह आपको दूसरे इस देश के अंदर कहीं और नहीं मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जिसको करियर बनवाना है अपना भाषा सीख करके, तो यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। साथ में क्या होता है कि उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टूडियो सेटअप हो रखा है, मीन्स पैनल है, कैमरा है, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, तो जो भी क्लास स्टूडेंट ले रहा हो हाथों हाथ रिकॉर्ड भी हो रही है, रिकॉर्ड होकर उनके ऐप के ऊपर जा रही है, मीन्स लाइफ टाइम एक्सेस उनको मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ से हमसे पढ़ के जा चुके हो तो हम कनेक्शन खत्म हुआ, तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो लाइफ टाइम रहेगा। जब जब आपको जर्मन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, आपकी क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप के ऊपर आ रही है, आप जब क्लास में आ रहे हो इवन आपको नोटबुक भी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ पैनल पर लिखा जा रहा है और पैनल के अंदर सिस्टम है कि जो भी लिखा जा रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है PDF में, और वो PDF फाइल ऐप के ऊपर रहेगा, तो लेवल वाइज आपका कोर्स वहां पे क्रिएटेड रहेगा। और दूसरा एग्जांपल ये भी है कि जैसे आप मेरे से क्लास ले रहे हो तो आप मेरे वीडियोस नहीं आएंगे, मेरी क्लासेस आप इनसे इनकी क्लासेस होगी, इनकी क्लासेस भी आपके एडिशनल आपके एज एडिशनल क्लासेस आपके पास में आएगी, तो मीन्स आपका पूरा कोर्स क्रिएटेड रहेगा, आपको प्लेटफॉर्म छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाना, तो पूरा सपोर्ट यहां पर रहेगा। तो शायद आपको बात सारी समझ में आ गई होगी, और फिर भी आपको ये लगता है कि भाई ये तो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो ये तो अपनी बढ़ाई करेंगे ही, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन ये बातें इन्होंने बताई है, हम इनके स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि वो यहाँ पर कैसा फील करते हैं, किस तरह से सीखते हैं, उसके लिए भी जुड़े रहे हमारे साथ। अगले वीडियो में हम इनके स्टूडेंट से भी आपकी बात करवाएंगे। धन्यवाद।